नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संध्या राठौर और आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बुक है जो कि 6th एडिशन की है। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होती क्या है। तो ए.के. दास के अकॉर्डिंग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जो कि मास्टर सैमुअल हैनुमैन ने लिखी है, जिसमें होम्योपैथी के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, ये तो ए.के. दास जी ने बता दी और जो मेरे अकॉर्डिंग से जो मेरी समझ है वो मैं आपको बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो मैं ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी। जस्ट एज द गीता टीचेस अस हाउ टू लिव फॉर अचीविंग द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, जैसे कि गीता है वो हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको अचीव कर लें, जैसे कि अपनी जो आत्मा है वो परमात्मा में लिप्त हो जाए, या फिर हम कैसे ऐसे जिए कि हमारी वजह से किसी को दुख ना हो। उसी प्रकार जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो हमें ये पढ़ाती है, ये समझाती है। क्या समझाती है, क्या पढ़ाती है? होम्योपैथी सिस्टम। होम्योपैथी सिस्टम को हम कैसे अप्लाई कर सकें जो ह्यूमन के लिए, जो इंसान की भलाई के लिए काम आ सके, जो डिजीज़ को रिमूव कर सके बॉडी में से और क्योर को स्थापित कर सके। जैसे कि गीता है, बाइबल है, कुरान है, इसमें क्या है, रूल्स लिखे गए हैं कुछ किसके लिए, इंसानों के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए। सिमिलरली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जो कि हेल्प करती है फिजिशियन की क्या करने में, नॉलेज को एक्वायर करने में, किसके लिए, ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग है उसको ट्रीट करने के लिए एक ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करती है जिससे हम ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग है उसको ट्रीट कर सकें। तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान जो कुछ ग्रंथ होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए, ऐसे ही ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है, एक ग्रंथ है होम्योपैथी का जो हमें ये सिखाती है, हमें ये बताती है पूरी लाइफ टाइम के लिए कि कैसे हम इंसानों की हेल्प कर सकते हैं, उनको क्योर कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके टोटल 6 एडिशन हैं, जो कि पहला एडिशन है वो 1810 में आया है, दूसरा 1819 में, तीसरा 1824 में, चौथा जो है 1829 में, पांचवा 1833 में और छठवा जो एडिशन है वो 1921 में आया है, जिसमें कुछ सेक्शंस दे रखे हैं। वो सेक्शंस को हमको पढ़ना है, उसी के थ्रू हम सीखेंगे कि होम्योपैथी प्रैक्टिस को कैसे अप्लाई करना है। तो जो 6th एडिशन है उसमें 291 एफोरिज्म दे रखे हैं जिसका जो नाम है वो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन।